यदि हम आपसे पूछें कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें ज़्यादातर सुनाए जाने वाली लोरी कौन सी है, तो ज़्यादातर लोग बताएंगे चंदा मामा वाली लोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों सालों से बच्चों के, जो कभी बचपन में हम सभी के मामा हुआ करते थे, उस मामा का अस्तित्व उनके भांजों ने ही मिटाने की योजना बनाई और उसे अंजाम तक ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। यानी ये भांजे अपने ही मामा की हत्या करने का प्रयास कर रहे थे। हमारे इस मामा को आखिर किसने बचाया? इस मामा को क्या देवताओं ने उनके भांजों से बचा लिया? आप देखते रहिए, हम इसका खुलासा थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं हमारे चंदा मामा का हमारे जीवन में कितना महत्व है। चंद्रमा हमारे मामा ही नहीं हैं, चंद्रमा से हमारे कई त्यौहार और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में चंद्रमा मानव के अस्तित्व में आने के समय से ही जुड़ी हुई है, और इसे हमने नहीं जोड़ा, इसे तो स्वयं भगवान ने जोड़ा है। चंद्रमा को मामा कहा जाता है, लेकिन कब से यह कोई नहीं बता सकता। हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्यौहार शादीशुदा महिलाओं का त्यौहार है। इसमें चंद्रमा को देखकर ही महिलाएं उपवास तोड़ा करती हैं। हिंदू संस्कृति में चंद्रमा की पूजा कई मौक़ों पर की जाती है। सनातन धर्म में चारों वेदों को ईश्वर की वाणी माना गया है। ऋग्वेद में चंद्रमा का जिक्र है, जिसमें कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायतः। यानी चंद्रमा जातक के मन का स्वामी होता है, इसलिए जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है। जन्म के समय जन्मपत्री में दो लग्न बनाए जाते हैं, एक लग्न जन्म का और दूसरा चंद्र का। जन्म लग्न का मतलब देह यानी शरीर से होता है, और चंद्र लग्न मतलब शरीर का मन। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और माना जाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए दोनों ही लग्न ठीक होने चाहिए। ऐसी कई जगहों पर हमारे चंदा मामा यानी चंद्रमा का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। बच्चों के, हम सब के मामा चंदा मामा को मारने के लिए अमेरिकी भांजों ने पूरा प्रोग्राम बना लिया और फिर कोशिश भी कर डाली, लेकिन कोशिश को नाकाम कर दिया गया। कैसे नाकाम हुई कोशिश? किसने अमेरिकी भांजों को ऐसा करने से रोका? एरिया 51 अमेरिका की एक जगह का नाम है, जहां पर किसी के भी जाने की मनाही है। यहां अमेरिका एलियन पर रिसर्च करता है, और कहा जाता है कि यहां एलियन पूर्व में आया करते थे। यहां एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था कर्नल रॉस डेड्रिक्सन। ये अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिक थे। 1950 से 1958 के बीच उन्हें अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंप दिया गया था, यानी वे इस आयोग के सर्वे सर्वा थे। इनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने जितने भी परमाणु परीक्षण किए, उन सभी परीक्षणों के दौरान वे स्थल पर मौजूद रहा करते थे। कर्नल रॉस ने रिटायर होने के बाद एक खुलासा किया था। कर्नल रॉस के अनुसार अमेरिका ने चंद्रमा पर कई परमाणु परीक्षणों को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन सभी परीक्षणों को नाकाम कर दिया गया। अमेरिका ने 70 और 80 के दशक में भी प्रयास किए, लेकिन नाकाम हो गए। दरअसल अमेरिका का ऐसा करने का एक और उद्देश्य था। वह दुनिया को चंद्रमा में परमाणु परीक्षण पृथ्वी से दिखाना चाहता था, ताकि उसकी क्षमता विश्व देख सके। लेकिन जिसे ईश्वर ने मानव जीवन के कल्याण के लिए बनाया है, उसे वह नहीं मिटा सका। ईश्वर ने उसे बच्चों का मामा बनाया है, हमारे त्योहारों के लिए बनाया है, और भी कई मौकों के लिए चंद्रमा को बनाया है। कर्नल रॉस ने यह खुलासा अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रम स्ट्रेंजर्स थिंग्स में किया था। इस वैज्ञानिक ने माना था कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से योजना में उन्हें नाकामी मिली। अब यह कौन सी चीज थी, जिसे आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप भी यही कहेंगे कि ईश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा होने देता तो बच्चों का मामा कौन होता? चंदा मामा वाली लोरी नहीं बन पाती, करवा चौथ का त्यौहार नहीं होता, ज्योतिष विद्या नहीं होती, और चंद्रमा से जुड़ी कई बातें भी नहीं होती।